नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते, मैं रश्मि कुमार अब्रोल, लेणाद्री गणपति फाटा, कोळेगाव, जुन्नर तालुका, जुन्नर जिला पुणे। मैं गए 25 साल से एग्जॉटिक वेजिटेबल्स ले रहा हूँ, और जब से मैंने डे फ्रेश के बारे में सुना तो इनको बताया मैंने, और ये इसका इस्तेमाल करने के लिए उनसे राय लिया, तो जो जैसा उन्होंने बताया वैसा इसका स्प्रे किया था। तो पहला स्प्रे मैंने 14 दिसंबर को किया था, उसके बाद आज 14 दिन हो गए उसको। आप देख रहे हैं कि पत्ते का साइज़ क्या हो गया है, और इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत बढ़िया है। इतनी बढ़िया तो मैंने आज तक देखा नहीं था, ये मिरेकल है। जैसा कि मैंने इसका स्प्रे एक ही स्प्रे किया है और देखा कि पत्ते ज़बरदस्त बढ़ गए, वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी अच्छी होगी, और पत्ते एकदम फ्रेश है। जैसा नाम है डे फ्रेश, उसी प्रकार ये फ्रेशनेस आ गया है मेरे पौधों को। और अभी देख रहा हूँ मैं कि इसको किसी प्रकार का भी कुछ भी फंगस नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, और ये गड्ढा भी अच्छा हो रहा है। रेड कैबेज है ये, देखो बढ़िया सा गोभी हो रहा है इसके अंदर। ये देखो रेड कैबेज एकदम तैयार हो रहा है अभी, और अगले 15 दिन में एक स्प्रे और एक मारूंगा, तो इसका मुझे पता है कि इसका वेट भी अच्छा हो जाएगा और साइज़ भी अच्छी हो जाएगी। और आपने कौन से क्रॉप को यूज किया है? मैंने ब्रोकोली को किया है, इसके बाजू में ब्रोकोली है, आप देख रहे हैं। हाँ, कि ब्रोकोली को भी वेजिटेबल ग्रोथ इतनी अच्छी है 14 दिन में। ये स्टेम देख लीजिए, एक नंबर का झाड़ देख लीजिए। हाँ, ये देखिए नीचे स्टेम का साइज देख लीजिए, ये देखिए इसका साइज देखिए। अभी इसको फ्लावरिंग स्टेज है, ये देखो। और फल भी आ रहा है, फल भी आ कैबेज पे आ गया है। अच्छा अच्छा, ब्रोकोली ये भी बाजू में देखिए कितना बढ़िया इसका असर है। जैसे नाम है वैसा ही काम है इसका। तो डे फ्रेश, डे फ्रेश मैं आपको सब फार्मर को ये रिकमेंड करूँगा। हाँ। इसका जरूर इस्तेमाल करिए, और इसका आप देख लीजिए, खुद ही इस एक्सपीरियंस ले लीजिए। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद।